खबर वाराणसी से है, जहां आशा विश्वास ट्रस्ट ने सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती पर आराजी लाइन ब्लॉक के जलालपुर गांव में जागरूकता रैली निकाली। बता दें कि मनरेगा मजदूर यूनियन की संयोजिका रेणु पटेल ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रैली की शुरुआत की। इस मौके पर यूनियन के संयोजक ने कहा कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने देश में शिक्षा के प्रति अलख जगाई। पूरा देश उनका कृतज्ञ है। वहीं रैली का समापन अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम ये आप जानती हैं कि आज 3 जनवरी है। आज के ही दिन जो राष्ट्र शिक्षिका के रूप में हम जिनको जानते हैं सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो हम लोग आज जलालपुर जनसा में हम लोग जो है कि उनकी जयंती मना रहे हैं। और कभी हम लोगों ने जागरूकता रैली भी निकाला और लोगों से आह्वान किया कि आपके घर में जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, कम से कम उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उनको शिक्षित करने का काम करिए। ये जो रैली था वो हम लोगों ने यहाँ अम्बेडकर प्रतिमा से निकाला था, फिर पूरे गांव में हम लोगों ने नारा लगाते हुए जो है कि भ्रमण किया। उसके बाद फिर हम लोग यहीं एक सभा के बाद उसको समाप्त कर रहे हैं। खबर महाराजगंज से है, जहाँ एक भाई पर भाई को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। बता दें कि जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीगंज ग्राम सभा की ओर ओडवलिया टोले पर मृतक को उनके ही भाई द्वारा जहर देकर मारने का मृतक की पत्नी ने ही आरोप लगाया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बहुत दिनों से अपने अपने भाई के यहाँ ही रहते थे और अपनी जमीन भी कुछ दिनों पहले अपने भाई के नाम लिख दी थी। आज इसी बात को लेकर गाँव में पंचायत रखी गई थी, परंतु उससे पहले ही यह मामला हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पनियरा पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। पंचायत वाला बात रहा आज पंचायत करने वाले हम थे कि मतलब चलो छोड़ो लिखा लिए जाने दो, हम लोग नहीं चाहिए। बूढ़ी के नाम कुछ नहीं रह गया, अब इनके लिए उनसे कुछ मांग के प्रधान उधान को जुटाएंगे। और प्रधान जी के पास हमेशा गया था और उनको 4-10-20-25 हज़ार दिला देंगे, इनके नाम जमा कर देंगे, अपना खाएंगे रहेंगे। यही पंचायत करने वाले थे हम लोग, इसलिए यहाँ आए हैं आज। और हमारे पहुँचने से पहले मृत्यु हो गई हुआ है। खेत निकाल लेना चोरी से जहर दे दिया, अब पता नहीं हम जल्दी हम मनाई आज पंचायत जुटा रही, बीच में ही धोखा दे रहे हैं। कौन लिखाया है खेत? गणेश सारी खेत लिखा लिया हम, जान नहीं पाए। गणेश क्या है आपके? देवर है। हाँ पति इनके लगे रहता था, हमसे मिलान नहीं करे थे बहुत दिन से, दो बच्चे बहने तब हमारे साथ छोड़ दे रहे हैं। लेकिन लेके कोटरी लेके हम खाची लेके ढोली जीवली केवली खेत पर शादी भाई। थाना पनियरा पुलिस को सूचना मिली कि थाना अंतर्गत बेनीगंज गांव में श्री अमेरिका यादव उम्र लगभग 50 वर्ष अपने घर में वृद्ध दशा में मिले, जो अपने भाई के घर में रहते थे। मौके पर पुलिस आई और शव को देखा, जांच की गई। शव पर जाहिरा कोई चोट के निशान नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पश्चात सभी पहलुओं पर विचार करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। खबर आगरा से है, जहां ताजमहल में नमाज पढ़ने के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पुरातत्व विभाग का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन में ताजमहल में पढ़ी जाने वाली ईद और शुक्रवार की नमाज को रोकने की मांग की गई। वह हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ASI पुरातत्व विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ताजमहल पर नमाज न रोकी गई तो हिंदू महासभा के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही न्यायालय में पुरातत्व विभाग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने की चेतावनी दी है। देखिए हमने एक RTI लगाई थी ASI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें ये पूछा था जो ताजमहल के अंदर जो नमाज हो रही है किसी मुगल शासक के आदेश से या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ऑर्डर के आदेश से या भारत सरकार के किस आदेश से हो रही है, तो उसके जवाब में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने इनको ये बाई हैंड एक ज्ञापन के माध्यम से नोटिस दिया और इनसे कहा इस नमाज को बंद करें। साथ ही हमें जो शिवरात्रि हमारा पावन पर्व आता है उस पर हमें तेजो महल के अंदर जलाभिषेक करने की अनुमति दी है। इस संदर्भ में ये ज्ञापन और नोटिस दोनों साथ साथ दिए गए हैं। जेल के अंदर जो भी नमाज होती है चाहे वो शुक्र को हो या उर्स हो, वो सारी किसी बिना किसी आदेश के हो रही है, वो इलीगल एक्टिविटीज है। एक तरफ आप कहते हैं ये पब्लिक मोनो ये प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है और इसको ASI ऑपरेट करती है, तो इसके संदर्भ में कोई भी भारत सरकार का कोई भी आदेश नहीं है, तो ये नमाज किसकी अनुमति से हो रही है, इसको बंद किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हिंदू महासभा न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगा। कि आज हमारे ऐसे अनुपस्थित जहाँ किसी मीटिंग में बिजी थे तो ये ज्ञापन लेने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और इन्होंने मुझे अखिल भारतीय हिंदू महासभा से मुझे ज्ञापन मिला है और अभी हम इसको पढ़ेंगे और आगे हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे। ज्ञापन के माध्यम से मांग क्या
उन्होंने नमाज ताजमहल में नमाज पढ़ने के लिए कहा है तो उसको रोका जाए। खबर आगरा से है जहां G20 सम्मेलन 2023 में इस बार भारत में आयोजित होने जा रहा है जिसमें पूरे विश्व से जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इसी के मद्देनजर आगरा के हर विभाग के अधिकारी G20 सम्मेलन की तैयारियों को चलते शहर का भ्रमण किया। G20 सम्मेलन को लेकर आगरा कमिश्नर जिलाधिकारी आगरा की तैयारियों का मुआयना करने निकले। उसी क्रम में आगरा में भी फरवरी के द्वितीय सप्ताह में एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग होना है। इसके अलावा माह सितंबर में भी मिशेल ग्रुप की मीटिंग होना है। उसी के संबंध में जो व्यवस्थाएं तैयारियां हैं उसके लिए जिससे जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका अनुभव है अच्छा रहे और हमारे देश में जो अच्छे अच्छे काम हुए उनको प्रदर्शित किए जा सके, उसी के संबंध में सभी विभाग सभी अधिकारी हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं और जिससे कि समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित, वो सभी लगातार मंथन चल रहा है और ये हमारा प्रयास है कि एक रूपता लगे, जो हमारी लोकल चीजें हैं वो प्रदर्शित हों, यहाँ का कल्चर प्रदर्शित हो, जन सहयोग लिया जाए, इसके लिए हम लोगों से बातचीत करते चल रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं, तो ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देखिए G20 का समिट अभी होने वाला है और हमारे विभिन्न शहरों में, चार शहरों में, हमारे प्रदेश में भी जगह जगह अलग अलग मीटिंग्स हैं और सेकेंड फेज में भी अलग अलग जगह पे मीटिंग्स होंगी। उसी को लेके आज हम सभी अधिकारी, कमिश्नर, मैं और DM साहब और बाकी हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर और ADA के भी ऑफिसर, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग अपने इस क्षेत्र में देख के कि क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए और जो हमारे फॉरेन के डेलीगेट्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको भी सुरक्षा में, किसी तरह की उनकी सुरक्षा में चूक ना हो। जो कैमराज की बात है वो हमारे यहाँ ADA और म्यूनिसिपल कमिश्नर भी, BC ADA और म्यूनिसिपल कमिश्नर भी यहाँ पे हैं, जो भी कैमराज यहाँ के हैं उनको भी दुरुस्त किया जाएगा और जो भी और इक्विपमेंट कहीं वर्क नहीं कर रहा है, इन सभी चीज़ों को अभी देखा जा रहा है और शहर को और बेहतर और सुंदर कैसे बनाया जाए उस पर भी सभी ऑफिसर्स मिलकर बात कर रहे हैं। खबर जालौन से है जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम देहगुआ में शव को दफनाए जाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। बता दें कि विवाद के रौद्र रूप धारण करने से पहले स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर लग गई। वहीं खबर लगते ही तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को समझाया। प्रशासन की मौजूदगी में मृतक को दफनाए जाने का कार्य किया गया। साथ ही इस तरह प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से टल गई। घने कोहरे और धुंध के कारण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि घने कोहरे और धुंध के कारण कंटेनर डिवाइडर से जाकर टकरा गया। वहीं डिवाइडर से टकराने के बाद कंटेनर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसमें लदे केमिकल से भरे ड्रम एक्सप्रेसवे पर फैल गए। सूचना मिलने पर एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी के अधिकारी तथा समीपवर्ती गोहान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही चालक व परिचालक को सकुशल बाहर निकाला गया। खबर जालौन से है जहां देर रात तक सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं फिर से एक और सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है जहां जालौन बंगरा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से बाइक सवार सड़क पर उछल कर जा गिरा जिसमें बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया है। राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई जिनकी मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ, एक एक्सीडेंट है, छपला पे हुआ है तो उसको काफ़ी गंभीर चोटें थी, हेड इंजरी थी, उसका यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उसके पश्चात उसको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ओरे के लिए रेफर कर दिया गया है। खबर जालौन से है जहां भारत का पांचवा और उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि इस पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया। वही खबर है कि करीब 1200 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनने के बाद जालौन के किसानों की सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध रहेगी। सोलर पावर प्रोजेक्ट जनपद जालौन में दो जगहों पर स्थापित होने वाला है। पहला जनपद जालौन के उरई तहसील क्षेत्र के अमरौर गाँव में और दूसरा जनपद जालौर के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के मई गांव। इस वक्त हम खड़े हैं मई गांव। ये मई गांव का वो बिहार क्षेत्र जहां कभी दस्युओं का आतंक हुआ करता था, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से राजनीतिक गलियारों का भविष्य लिखा जाता था। यहां गुजरने वाले लोग सहमते थे, दिन में भी सहमते थे कि कहीं डकैतों के हाथ न चढ़ जाए, पकड़ ना हो जाए या उनका मारा ना हो जाए। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ बिगड़ों की तस्वीर बदलने वाली है। इस बिहार क्षेत्र में अब सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता होने वाली और वो चीज उपलब्ध होने वाली है जिसके लिए जो है ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सोलर पावर प्लांट जनपद जालौन के दो हिस्सों में, अमरौड़ और मई, 600 मेगावाट अमरौड़ में और 600 मेगावाट मई में,
स्थापित होने वाले इस प्लांट में अब काम भी शुरुआत हो चुकी है। 23 नवंबर 2021 को पहला भूमि अधिग्रहण भी किया जा चुका है और अब तक लगभग 400 से ऊपर किसानों का भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और उनसे अनुबंध भी तैयार हो चुके हैं। यानी कि अब ये तस्वीर जो है बुंदेलखंड के इस बीहड़ क्षेत्र की अब बहुत जल्द बदलने वाली है। जनपद जालौन में बीहड़ क्षेत्रों में अब ये तस्वीर एकदम लहलहाते बुंदेलखंड की तस्वीर बनने वाली है, क्योंकि अब यहाँ का किसान बिजली के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि बिजली चाहिए सिंचाई के लिए, पानी की ज़रूरत पड़ती है किसानों को, उसके लिए बिजली की अनुपलब्धता होने के कारण कभी कभी किसान जो है सिंचाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब सोलर पावर प्लांट स्थापित होने के बाद 24x7 24 घंटे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिलने वाली है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चालू है। खबर बांदा से है, जहां बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक रोड पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार युवक ने बैलगाड़ी पर पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बैलगाड़ी सड़क के किनारे पलट गई। वहीं बैलगाड़ी सवार अधेड़ और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हमारे चाचा बैलगाड़ी में कटिया लेके आ रहे थे, पीछे से आया कोरन साइड से, पेट्रोल पंप के पास पीछे से ठोंक दिया, वो लड़ी बैल लेके नीचे पलट गए, उनके दोनों पैर में पहिया चढ़ गया। अच्छा। और ये जो ड्राइवर मोटरसाइकिल चला रहा था फुल पिए हुए। अच्छा, ये भी घायल है? हाँ, ये भी थोड़ा बहुत तो साफ लगेगा ना। तो कैसे आपको सूचना मिली? वो हमारे गांव वालों का बोर था ना उधर ही। हाँ। वो लोग हमको फोन किया तो हम लोग तुरंत आ गए। कहे से लेकर आए अस्पताल? कहे से लेकर आए? अभी एम्बुलेंस में सब ले गया। एम्बुलेंस वालों को? अच्छा, बाइक वाला कहाँ का बताया गया है? ये उनका बता रहे हैं ना, टीकमगढ़ का बता रहे हैं। टीकमगढ़? हाँ। अच्छा, और वो दूसरे घायल कहाँ के हैं? अच्छा अच्छा